दोस्तों आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए जिन्हें वेट गेन करना है। दोस्तों आपने सब कुछ ट्रिक्स ट्राई किए होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वीडियोस देखे होंगे, मगर दोस्तों आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप वैसे की वैसे ही है। मगर दोस्तों टेंशन मत लीजिए, मैं आज की वीडियो में ऐसे सिंपल डाइट बताने वाला हूँ जो आप अफोर्ड कर सकते, और ऐसे सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरी एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसी फिटनेस रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच पाएंगी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों डाइट को जानने से पहले हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। आसान तरीके से समझते हैं, हम मेटाबॉलिज्म को दो टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फास्ट मेटाबॉलिज्म और दूसरा है स्लो मेटाबॉलिज्म। दोस्तों आप उनमें से फास्ट मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में आते हो। उसमें क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो इतना जल्दी डाइजेस्ट होता है जिसे हम वेट गेन नहीं कर पाते। और दूसरा है स्लो मेटाबॉलिज्म, उसमें क्या होता है दोस्तों, हम जो भी खाते वो इतना स्लो डाइजेस्ट होता है जिसके कारण हमारा वेट गेन तो नहीं होता, जिससे हमारा फैट बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब आपका सवाल क्या होगा कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक करें, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी ऊपर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों उसे आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम डाइट की तरफ। दोस्तों आपको सोने से पहले आपको काले चने लेने 100 ग्राम, और उसे अच्छी तरह धोकर भिगोकर रखना है। फिर सुबह उठने के बाद हमें गुनगुना पानी पीना है 1 ग्लास। गुनगुना पानी पीने से हमारे शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वर्कआउट के आधे घंटे पहले वो भीगे हुए काले चने हमें खाने और उसका पानी पीना है। दोस्तों फिर हमें वर्कआउट करना है। वर्कआउट करने के बाद 2 मीडियम साइज के केले, 250 ml दूध, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप 100 ग्राम पनीर खा सकते, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 2 अंडे खा सकते। उसके बाद आपको 2 चपाती खाने और उसके साथ सब्जी खानी। दोस्तों फिर आपका जो वर्किंग टाइम होगा उसमें आपको 1 फ्रूट खाना है, सीजन वाइज कोई भी। तो अब हमें लंच में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 बड़ी कटोरी चावल, 2 रोटी और उसके साथ 100 ग्राम दही खाने हैं। और उसके बाद वर्किंग टाइम में हमें जो शाम का टाइम होता है हमारा, उसमें हमें ड्राई फ्रूट्स खाने 1 मुट्ठी भर। और उसके बाद शाम को 6 बजे जो घर में हमारे मूंगफली होती है वो हमें 1 मुट्ठी मूंगफली लेने है, और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ लेना है। उसके बाद हमें 2 या 3 घंटे के बाद हमें डिनर लेना है। डिनर में हमें 1 कटोरी दाल या 1 बड़ी कटोरी चावल ले सकते हैं, या फिर 1 कटोरी सब्जी या 2-3 रोटी खा सकते हैं हम। उसके साथ हमें सलाद भी खाना है। दोस्तों फिर उसके बाद आता है बेड टाइम। दोस्तों हमें बेड टाइम के 1 घंटे पहले हमें 1 ग्लास यानी कि 250 ml दूध पीना है। तो दोस्तों ये था हमारा दिन भर का डाइट प्लान जो हम आसानी से अफोर्ड कर पाएंगे। तो अब बढ़ते हम एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों जो मैं एक्सरसाइज बताने वाले हूँ आपको, उसके लिए आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज है पुशअप्स की। दोस्तों पुशअप्स से हमारे बाइसेप्स, बैक, ट्राइसेप्स, चेस्ट ये सब ट्रेन होते हैं। तो हमें पुशअप्स के 4 सेट लगाने, और हर एक सेट में हमें 20 रेपिटेशन लगाने। दूसरी एक्सरसाइज है पुलअप्स। दोस्तों पुलअप्स से हमारे बैक, बाइसेप, शोल्डर ट्रेन होते। दोस्तों पुलअप्स के हमें 3 सेट लगाने, और हर एक सेट में हमें 10 से 20 रेपिटेशन लगाने। तीसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट। दोस्तों स्क्वाट से हमारे लेग ट्रेन होते, और स्क्वाट के हमें 4 सेट लगाने, और हर एक सेट में हमें 20 रेपिटेशन लगाने। ये थी हमारी कुछ बेसिक एक्सरसाइज जिन्हें हमें डेली करना चाहिए। दोस्तों आई होप आपको वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान समझ में आ चुका होगा। फिर भी इसकी मैंने PDF बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए,
तो मिलते अगली वीडियो में।